2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को आज सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव जेवर में रखने वाले हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव जेवर में रखने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को भी आज संबोधित करेंगे। आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी सबसे पहले जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद एक बड़ी रैली भी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एयरपोर्ट सितंबर 2024 तक शुरू हो जाएगा। 6,200 हेक्टेयर इलाके में बन रहे इस एयरपोर्ट में 5 रनवेज और 2 टर्मिनल होंगे। अनुमान है कि करीब एयरपोर्ट बनने के बाद 35,000 यात्री दिल्ली से जेवर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। जेवर में भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी होंगी। शिलान्यास के साथ बड़ी रैली का भी प्रोग्राम है। इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। कैसी हैं तैयारियां, बता रहे हैं इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद। 5वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जहां पर 6 स्ट्रिप्स होंगी और इसीलिए अब यहां पर ब्रीफिंग की जा रही है। ठीक सामने मंच तैयार किया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, वो यहां पर होंगी और यहीं से प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करेंगे। आसपास इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बन जाने से खासतौर पर आने वाले टाइम पर बुलेट ट्रेन यहां पर आएगी। उसके अलावा जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उससे इसे कनेक्ट किया जाएगा जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में खासतौर पे आगरा, मथुरा या फिर नोएडा, अलीगढ़, ये वो एरियाज हैं जो कि पूरी तरह से डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ेंगे और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सोच भी है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के आसपास के सभी इलाकों में विकास की लहर दौड़े और खासतौर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर एयर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाएगा। भूमि पूजन के साथ साथ पीएम की रैली के लिए मेगा तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जेवर आकर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। इस खास प्रोग्राम के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है। बीजेपी का दावा है कि रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पार्टी को यह भी उम्मीद है कि जेवर की रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होगी और इस बात के दावे भी किए जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि आज का प्रोग्राम उनके विरोधी भी याद रखेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि ये एयरपोर्ट उनकी सरकार की ईमानदार सोच का दमदार नतीजा है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। 11 एयरपोर्ट पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी बन रहे हैं जहाँ कोई कल्पना ही नहीं करता था। विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र के पास, चित्रकूट में, ललितपुर में, आजमगढ़ में, श्रावस्ती में, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।